मैं हूं आपके साथ मनीजे मोइन। यहां हम खबर शामिल करेंगे। समा ने पंजाब के बजट की कॉपी हासिल कर ली है। रोशन राहें नया सवेरा के नाम पर पंजाब का बजट पेश किया जा रहा है। बजट में तालीम, ज़रात, आबपाशी, अर्बन डेवलपमेंट और सड़कों के लिए कितना बजट रखा गया है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदा खसूसी आसिम नसीर से। आसिम बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब काबीना ने अब से कुछ देर कबल 3.2 खरब का पंजाब का जो बजट है वो पास किया है। इसकी कॉपी समा ने हासिल की है और जो इसमें पंजाब का बजट रखा गया है उसका थीम रोशन राहें नया सवेरा होगा। जबकि पंजाब में न सिर्फ ज़राअत के ऊपर, तालीम और सेहत पर एक बड़े पैमाने पर रकम रखी जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ सड़कों पर 80.7 अरब रुपये, आबपाशी पर 27.6 अरब रुपये, तोनाई पर 5 अरब रुपए, पब्लिक बिल्डिंग्स पर 29.5 अरब रुपए, अर्बन डेवलपमेंट पर 21.3 अरब रुपए, गवर्नेंस और आईटी पर 6.2, मेहनत और इंसानी वसाइल की तरक्की पर 0.5 अरब रुपए, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो पंजाब में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उस पर 6.3 अरब रुपए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी तरह पंजाब भर में एमरजेंसी सर्विसेज 1122 के लिए 1.8 अरब रुपए पंजाब के बजट में रखा गया है। स्पेशल प्रोग्राम्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 154.5 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह ज़राअत के लिए जो है एक बड़ी सी रकम मुख्तस की गई है। अब से कुछ देर के बाद पंजाब में पंजाब का जो माली साल का बजट है वो पेश किया जाएगा पंजाब असम्बली में, और इस सिलसिले में पंजाब असम्बली में अरकान जो पंजाब असम्बली है जिनका ताल्लुक नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो गई है। ठीक है आसिम, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वफाकी दौल हुकूमत